नमस्कार भाइयों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके सैमसंग के फ़ोन में वॉइस सर्विस ब्लॉक्ड हो जाती है। देखिए, वॉइस सर्विस ब्लॉक्ड है, हम किसी भी नंबर पर कॉल मिलाएंगे तो हमारा जो लिखा रहा है वॉइस सर्विस ब्लॉक्ड, ठीक है। ये सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये फ़ोन लोन पर लिया हुआ है, EMI पर लिया हुआ फ़ोन है, तो अगर हम इसकी EMI नहीं भरेंगे तो पीछे से इसकी जो है कॉल बंद कर दी जाती है। तो हम EMI भरेंगे तो ही ये फ़ोन चालू हो पाएगा। कॉल आ रही है पर हम आउटगोइंग कॉल नहीं कर पा रहे हैं। और तो ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, सिम हमने चेंज करके देख ली। देखो, मैंने सिम इसमें चेंज करके देखी थी और ये वाली सिम मैंने दूसरे फ़ोन में लगाई है तो काम कर रही है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है, अगर एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, अगर आप किसी रीज़न से EMI नहीं भर पाते हो तो आप जो है इस सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में चला सकते हो, ठीक है। कोई और सिम भी काम नहीं करेगी इसके अंदर जब तक आप EMI नहीं भरोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जाना है सैमसंग फाइनेंस प्लस ऐप है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो सारी डिटेल आ जाएगी कि कितने का लोन है, यहाँ से पे आप यहाँ से पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा जैन की जो है इसमें दिखा रहा है, सारी डिटेल दिखा रहा है। तो आप जो पे करने के बाद आप जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे बस यही बताना था, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करी है मैंने, और छोटी सी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।